ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बुरा वक्त कभी भी किसी भी व्यक्ति का आ सकता है, इसलिए बुरे वक्त से बचने के लिए आज अपने घर में इन पांच तरीकों को, इन पांच टोटकों को, इन पांच उपायों को, पांच हलों को अपने जीवन में अपना लें, अपने घर में अपना लें। बहुत सरल है, बहुत साधारण है। इन उपायों को करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी भी आपके घर में अशुभता नहीं आएगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, और आपके घर में कभी भी आपको किसी भी परेशानी से, जो परेशानी या स्ट्रगल जो है, उससे कभी भी आपको जूझना नहीं पड़ेगा। और अगर जूझ रहे हैं और इन इस उपायों को करेंगे तो ये जितनी सारी परेशानी जो आपके साथ चल रही है, इनसे भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये तरीके बहुत कारगर हैं। ये तरीके जिनने भी जातकों ने अपनाए हैं, उन्हें अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव मिला है। अगर आप भी करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा बदलाव मिलेगा, और आप खुद इस बदलाव को 7 से 8 दिनों के भीतर अपने लाइफ में परिवर्तन को महसूस करेंगे। तो वो क्या है, इस पूरी वीडियो को देखकर आज आप समझ लें और अपनी मदद कर लें दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम अवश्य रूप से लिखें दोस्तों। सबसे पहला काम आपको करना है कि नियमित अपने घर में जितनी सारी अनुपयोगी और कबाड़ की वस्तुएं हैं उन्हें बाहर कर दे। खराब कपड़े हैं उन्हें डोनेट कर दे, खराब वस्तुएं उन्हें दान कर दे या उन्हें बेच दे, जिस जरूरतमंद को दे दें, लेकिन घर में हमें नहीं रखना है। वो चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा जनरेट करते हैं, और उसकी वजह से घर में कई सारी परेशानियाँ धीरे धीरे शुरू हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता है, क्योंकि वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। दूसरा करना है आपको काम कि अपने घर में नियमित आप 11वें अध्याय का पाठ करें, गीता का। नहीं कर सकते तो आप सुनना शुरू कर दें। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता, अशुभता और धन की कमी नहीं होती। ये प्रैक्टिकल बात है, इसे आप 7 दिन 11 दिन अपनाएं, आप खुद इस प्रभाव को महसूस करेंगे। तीसरा है कि बहुत सारे लोगों का माइंड तो नेगेटिव हो जाता है, बहुत नेगेटिव। वो घर में आए कि उनको नकारात्मकता ही समझ में आती है, नकारात्मकता ही आती है। तो ऐसा अगर आपके साथ बार बार हो रहा है तो अपने घर में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, या तो 11 लोग मिलकर एक ही दिन में 100 बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख हुए। तो जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का वाइब्रेशन है, जो मुख से मंत्र निकलते हैं, जब चौपाइयाँ निकलती है, तो 11 लोग मिलकर एक एक हिस्से में 9 या 10 बार आएंगे, वो करके भी इस सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और इसका बहुत 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 प्रभाव है। या सुंदरकांड का भी सामूहिक रूप से आप 21 बार वाचन कर सकते हैं। इसको करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से अपने लाइफ में वो बदलाव देखेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ये एक तरीके थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, कोई प्रश्न या कोई चीज़ है, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर हमसे अपॉइंटमेंट लें, फिर बात करें, उसका फीस लागू है, शायद आपकी समस्या का एक सकारात्मक समाधान मिले। ओम नमः शिवाय।